के वही उनका निपटारा करने की पूर्ण प्रतिबद्धता है। सर, निकाय मंत्रालय भी आपके पास है, सफाई की एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है सर, विपक्ष भी लगातार हर एक चुनाव में मुद्दे उठाता है सर, तो किस तरीके से सर हरियाणा प्रदेश की बात करें? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जो समस्या है, सफाई की प्रॉब्लम है, कहीं डेवलपमेंट की दिक्कत है, उस सब पर ध्यान दिया जाएगा और एक हरियाणा को एक स्वच्छ और ग्रीन प्रदेश बनाने की ओर हरियाणा सरकार संकल्पित है, उस ओर हम लोग चलेंगे और तेजी से आप लोगों को इसमें बदलाव दिखेगा। विपक्ष लगातार पोर्टल को लेकर सवाल खड़े करता है, हमने पिछले विधानसभा सत्र में देखा पोर्टल एक अहम मुद्दा रहा, अहम रोल रहा। इस चुनाव के अंदर पोर्टल पर या विपक्ष क्या सवाल उठाता है, उसका जवाब देने का काम लोकतंत्र में जनता वोट के माध्यम से करती है और जनता ने बता दिया तुम्हारी सारी बातें बेमानी है, बेबाक बात जो बातें करते हो उनका कोई औचित्य नहीं है धरातल पर। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर मोहर लगाने का काम किया और पहले से ज्यादा मैंडेट देके पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर बनाई। इसलिए विपक्ष का जो भी जिस भी तरीके का आरोप है उसको निराधार करने का काम किया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी समस्याएं किसी भी तरीके की क्वालिटी पर आ रही है उसको दूर करने का काम हम लोग जल्द कर रहे हैं और समाधान दिवस उसका एक हिस्सा है कि 9 से 11 बजे तक सभी ऑफिसर्स उसमें बैठेंगे, समाधान को करने का काम। वन बाय वन, वन बाय वन पोर्टल में किसी तरह की कोई दिक्कत? एक मिनट, हो गया ना, हो गया, आप बोलिए। सर, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का कामकाज जो है वो कहीं ना कहीं फिनिश हो चुका है, प्रधानमंत्री इनोग्रेशन कर देते अगर चुनाव नहीं आता, क्योंकि आपको सिविल एविएशन डिपार्टमेंट दिया गया है, तो क्या रूपरेखा होगी, कब तक? देखिए, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट मुझे अलॉट हुआ है लेकिन अभी अधिकारियों की मीटिंग होगी, उसका अपडेट लेकर क्या एक्चुअल में स्थिति है, अभी तो सिर्फ मैं आपके माध्यम से ये सब सुन रहा हूँ, लेकिन उसके बाद अगर वो तैयार हो गया है, प्रधानमंत्री जी से उसका टाइम लेना है और कब उसका उद्घाटन कराना है, ये सब बातों पर चर्चा हम लोग मिल बैठकर मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस पर करेंगे। सर, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिए एक बार फिर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि कई दिल्ली सरकार 10 सालों से यही आरोप लगाती रही है, लेकिन जब आंकड़ों पे जाती है तो दिल्ली सरकार देखती है कि ज्यादा दिक्कत पंजाब की है ना कि हरियाणा की है, वो अपनी वाली पार्टी की सरकार को वहां रोकने में असमर्थ है। तो मैं समझता हूँ हमने पहले से ज्यादा जो पराली जलने पर और पोल्यूशन की रोकथाम के लिए काम किया है, और अभी जब हमारी नई सरकार का गठन हुआ उस दिन भी पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने इस पर चिंता जताई और कहा कि सोशल लोगों के सोशली जाकर लोगों को भी रोकें और जब जरूरत हो उसका चालान भी करें, और लेकिन किसानों को समझाने का काम करें, इंसेंटिव देने का काम करें, इसको रोकथाम होना चाहिए और पहले से ज्यादा रोकथाम पराली जलाने पर हरियाणा के अंदर हुई है। अर्बन लोकल बॉडी सर, एक शहर के विकास को कराने का एक अहम डिपार्टमेंट है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि कितनी प्राथमिकता रहने वाली है आपको? देखिए, एक हरियाणा का एक बहुत बड़ा पार्ट शहरीकरण है, शहर के अंदर आता है, जिसमें कि म्युनिसिपल जो अपने निगम है, म्युनिसिपल निकाय हैं, पालिकाएं हैं, तो सभी को देखते हुए कि पूरे हरियाणा का पैन हरियाणा का किस तरीके से विकास और डेवलपमेंट हो सके उसका एक खाका खींचेंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में एक बदलाव हरियाणा के अंदर, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे विकास की बात हो, उस पर देखने को मिलेगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी की एक योजना है उड़ान, जो कि सिविल एविएशन में आती है, उस योजना का मकसद है छोटे एयरपोर्ट डेवलप करना और मतलब एक छोटे इलाकों तक एयरपोर्ट पहुँचाना, आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? तो उसी के तहत हरियाणा में के अंदर हिसार का जो एयरपोर्ट है, अम्बाला का जो एयरपोर्ट है, चाहे पंचकुला की एयर स्ट्रिप है, चाहे महेंद्रगढ़ के अंदर एयर स्ट्रिप है, उन सब पर रेगुलर 10 साल से हमारी सरकार काम करती रही है और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो प्रधानमंत्री की जो योजना है उसको आगे बढ़ाएंगे। जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। विपुल गोयल ये बात कहते नजर आए हैं, प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा, हमने पराली जलाने पर काफी रोकथाम लगाई है, काफी रोकथाम की है, समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, ये बात विपुल गोयल कहते नजर आए। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा, हमने पराली जलाने पर काफी रोकथाम की है, ये बात विपुल गोयल की तरफ से कही गई है। समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं को सुनते, उनका समाधान करते नजर आए हैं विपुल गोयल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं।